दोस्तों मैं तुम दसा तुम बहुत ज्यादा नजदीक तो बहुत ज्यादा नेड़े तो तुम मैं इंडिया गेट दिखा रही हाँ। तुम देख सकते हैं कि इंडिया गेट का जो व्यू है बहुत ज्यादा शानदार हो रहा है। देख सकते है लाइटा पूरी चमक रही है आप तिरंगे लाइटा पूरी तिरंगा पूरा बन रहा है इतने। हेलो एवरीवन, मैं शरमजीत, मेरे चैनल हरि सिंह ब्लॉग में तुहाडा स्वागत है। दोस्तों जिवें तुसीं जानते हैगे हो कि मैं दिल्ली विच आई हुई हाँ, तो दिल्ली के मैं फेमस इंडिया गेट पहुँच चुकी हुई है। तो तुम देख सकते हैं कि वो मेरे पीछे तो ये जो इंडिया गेट बनया हुआ है, तो ये क्यों बनया हुआ है किस कारण तुम पूरा दसंगी तुम्हें पहला मैं जाके तुम्हें पहला दिखावा क्योंकि बहुत सोहना लग रहा है। अपनी शाम का टाइम हो चुका हो इस टाइम मेरे 6 बज रहे हैं तो ये लाइटा वगैरह जी है तुम चंगी तरह दिखा देव कि लाइटिंग हो रही हैगी है, तो मैं पास जाके तुम दिखाने लागे जाके। तो दोस्तों मैं दस देव कि हम मैं बिल्कुल थोड़ा लागे पहुँच चुकी हुई हूँ इंडिया गेट के, तो बहुत ही ज़्यादा सोहना लग रहा है इंडिया गेट। तो पिछले तो मैं बहुत ज़्यादा अगर जाके दिखाई है एक तो जो बदल छावे हुए तो बदलों उपर जी उपर उपर कि लगना इदा लग रहा इदा ना बिल्कुल टच ही हो रहा है उपर। तो इस टाइम का आस पास देख सकते हैं तो एकदम ग्रीन ग्रीन लग रहा है इतने वाला है, तो इस टाइम ठंडक भी महसूस बहुत हो रही हैगी है। तुम अगे जाके दिखाई है आओ मेरे नाल। हाँ जी दोस्तों, हूँ आप चल पे हुए हैं इंडिया गेट वल, तो तुम देख सकते हो सामने बिल्कुल मेरे इंडिया गेट हैगा आ। तो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा नज़दीक तो दिखावगी, बहुत ज़्यादा तुम कोल तो दिखावगी, इन्ना शायद नज़दीक तो मैं लगता नहीं है कोई वीडियो बनी होएगी, तो मैं तुम्हें पूरा कोल जाके दिखावगी। तो तुम मेरे ना इदा बने रहना क्योंकि तुम दिख ही रहा है उपर लाइटिंग वगैरह हो चुकी हुई है, शाम के 6 बजे का टाइम हो गया लगभग। तो मैं ना इंतजार कर रही हाँ नेरा होएगा, तो तुम्हेरे जो लाइटा है वो गुड़िया गुड़िया तुम दिखनगिया है, पूरा तिरंगा झंडा बनता तुम देखोगे। तुम मेरे ना बस लास्ट तक बने रहना इस वीडियो में। आ देखना तुम दोस्तों अपनी इंडियन आर्मी जी है ड्यूटी से लगी हुई है, तो तुम पता 24 घंटे जी है अपनी इंडियन आर्मी ड्यूटियां तो लगी रही हैगी, सल्यूट है अपनी इंडियन आर्मी। तो हम पूरा इतों राउंड लैके तुम दिखावगी, तो मैं इधरों स्टार्ट कर लिया अपना राउंड। दोस्तों मैं तुम दसा तुम बहुत ज़्यादा नज़दीक तो बहुत ज़्यादा नेड़े तो तुम मैं इंडिया गेट दिखा रही हाँ। दोस्तों तुम मैं इंडिया गेट की लैफ्ट वाली साइड दिखा रही हैगी हाँ, इतने दरवाजे लगे हुए है वह पत्थर के दरवाजे आ। तो मैं अपनी इस वीडियो के वार मेमोरियल दिखावगी जिथे शहीदों को श्रद्धांजलि मिलती हैगी आ, उत्थे उन्होंने परिवार मैंबर कोई ना कोई होंदा तो उन्होंने श्रद्धांजलि देते हैं, तो फ्लैग इदा डोन करते हैं। तुम वो भी इस वीडियो दिखावगी जो सवेरे मतलब कि फ्लैग उ लगा रहा है तो शाम टाइम से उन्होंने डाउन करते, तुम वो भी दिखावगी अपनी इस वीडियो में। तुम दस देव कि ये जो इंडिया गेट क्यों बनाया गया है, ये अपने शहीदों की यादगार हैगी है, उन्होंने याद में बनाया गया है कि होंगे की सगा कि जो शहीद युद्ध में जो अपने जवान से युद्ध में शहीद हो गए थे उन्होंने याद की गार क्योंकि याद में रखने वास्ते इंडिया गेट बनाया हुआ है, तो उन्होंने नाम वगैरह है नजर फ्रंट वाली साइड आती है, सामने कुछ नजर आ रहा उसके बारे दस दी अगे जाके। हाँ जी दोस्तों तुम्हें मैं दस दवा मेरे पिछे कैनोपी है, कैनोपी कहते हैं पहला इतने तुम दस दवा पहला चलती सी जोत जी शहीदी जो चलती सी वो पहले चलती सी इतने जो वार मेमोरियल नहीं बनया होया हूँ उत्तर बन गया होया हूँ उत्ता काफी बना दिता हो उ जोत चलती हैगी। मैं एक चीज़ होर दस देवा जी पिछे इदा मैं तुम्हें कैमरा घुमा के दिखावा तो थोड़ा जूम करना कि देखो जूम कर दिखाने तुम पिछे है राष्ट्रीय भवन सब तो देखो वो है राष्ट्रीय भवन फिर है इंडिया गेट है नज़र आ रहा, फिर पिछे देखो नाल ही अम्बर इतनी शहीदी जोत चलती पहला है ना इतनी जोत चलती हुई पहला जी, तो वो देखो बिल्कुल एक लाइन च आ जी उतो सारा कुछ एक राष्ट्रीय भवन हो गया इंडिया गेट हो गया जी अमृतसर चलती हैगी इतने ठीक है पहला चलती होंगी सी इतने वो भी अगों भी कहते जोड़े है अगे जी चलती हैगी वार मेमोरियल वो भी इको लाइन में सारा कुछ आ रहा बिल्कुल सीधा सेंटर चो तो हूँ चलो आप दिखाने तुम अगे भी। हाँ दोस्तों देख सकते ये वार मेमोरियल जाना रस्ता हैगा आ, तो पहला अपनी चैकिंग होंगी हैगी इतों, तो चैकिंग करवाने तो बाद आप जावे उत्थे अंदर, तो हम चैकिंग साड़ी हो चुकी हुई हैगी है, तो हूँ आप जा रहे हैं अंदर। दोस्तों देख सकते तुम हूँ अस बिल्कुल एंड पहुँच चुके हुए हैं जोत के कोल, तो तुम मैं दिखा रही हाँ चंगी तरह। दोस्तों हूँ मैं बिल्कुल वार मेमोरियल अंदर खड़ी हैगी हाँ,
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਪਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਵੇਰੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਫਲੈਗ ਡਾਊਨ ਹੋਣੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ 7 ਵਜੇ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਉਹ 7 ਵਜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅਮਰ ਜੋਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਵਧਾਨ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਫਲਾਵਰਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਅਮਰ ਜੋਤੀ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਆਦਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ 26,000 ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਊ ਸੀਗਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਊ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲਾਈਟਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਚਮਕ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਆਪਣੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਲਾਈਟਾਂ ਪੂਰੀਆਂ, ਤਿਰੰਗਾ ਪੂਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਗਾਈਜ਼ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਲੋਗ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਦਾ ਵਲੋਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਸਵੀਰ ਦੱਸਣਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਕਨ ਬਟਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੀਂ ਜਰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।